नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद वशिष्ठ, कंसर्ट फ्लूट मेकर, कोटबुतली राजस्थान से आप सभी का स्वागत करता हूं गोविंद फ्लूट्स में। दोस्तों, आप अगर 100% वेल ट्यून बांसुरियां एकदम कम कीमत में परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर है 8440931661, यही मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने बनाई है ये कि फ्राई बेम्बू डी शार्प बेस की बांसुरी। होल थोड़ा फिंगर के हिसाब से कस्टमाइज किए हुए हैं जिससे ग्रिपिंग में आसानी होती है, क्योंकि बड़ी बांसुरियों पे नॉर्मली उंगलियां जिनकी छोटी रहती है वो पहुंचने में थोड़ी दिक्कत आती है और बड़ी बांसुरियों को ग्रिप करना भी थोड़ा मुश्किल रहता है। तो इसलिए इसकी थोड़ा उंगलियों का जो होल्स हैं उनमें थोड़ा कस्टमाइजेशन किया गया है और ब्लोइंग होल भी थोड़ा अंदर की तरफ खिसकाया गया है। तो आइए इसकी ट्यूनिंग क्वालिटी, इसकी बिल्ड क्वालिटी सब चीज़ें चेक कर रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप, कहीं कहीं पे डार्क ब्लैक निशान्स हैं, ये फ्राई करते टाइम होते हैं। और फ्राई का करने का सबसे एक अच्छा रीज़न ये है कि बेम्बू जो इसकी मतलब कि जो नॉर्मली क्या होता है कि बांस जो रहता है वो ट्यूनिंग चेंज करता है, मतलब गर्मियों में अलग ट्यूनिंग थोड़ी सी चढ़ जाती है, सर्दियों में थोड़ी उतर जाती है। तो बांस का ये नेचुरल सा वो रहता है, बट फ्राई करने के बाद में जो इसकी नमी रहती है वो सारी ख़त्म हो चुकी होती है। तो इसके बाद में ट्यूनिंग पे इतना फ़र्क मौसम का पड़ता नहीं है। तो आइए इसकी ट्यूनिंग क्वालिटी भी चेक करते हैं। दोस्तों, ये थी डी शार्प बेस बांसुरी की आवाज, फ्राई बेम्बू डी शार्प बेस की बांसुरी। इस साइड वुड कोर्क, जो एक बांसुरी में बेस्ट बांसुरी में जो चीजें होनी चाहिए वो सभी इस बांसुरी में अवेलेबल है। वुड कोर्क 100% वेल ट्यून और वेदर प्रूफ, मतलब कि इस पे मौसम का भी कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। जैसे नॉर्मली जो पके हुए बांस रहते हैं उनमें भी फर्क पड़ता नहीं है, बट कुछ माइनर से चेंज आते हैं। बांस एक नेचुरल चीज़ है तो उसमें माइनर से चेंज आते हैं, मतलब 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे होती है ट्यूनिंग। तो वो जो प्रोफेशनली एकदम प्रोफेशनल जिनको मतलब कि 1-1, 2-2 पॉइंट का भी फर्क मतलब रहता है कि स्टेज परफॉर्म पे के टाइम उनको थोड़ा सा बेसुरा और ऐसी सब चीज़ें लगती हैं, तो ये बांसुरी जस्ट मतलब ट्यूनिंग में हो चुकी एक बार, तो इसके बाद ये ट्यूनिंग चेंज नहीं करती है। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसी फ्राई बांसुरियाँ खरीदना चाहते हैं एकदम कम कीमत में तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डी शार्प बेस की बांसुरी की कीमत 2000 रुपये, इसकी फ्राई बेम्बू बांसुरी की कीमत, जिसमें एकदम राउंड एंड स्ट्रेट आपको बांस मिलेगा, 100% वेल ट्यून की गारंटी है। अगर कोई हमारी बांसुरियों को अनट्यून साबित करता है तो हम उन्हें 1100 रुपये का इनाम देंगे। वैसे कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 100% वेल ट्यून ही बांसुरियाँ मिलती हैं। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।